नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। ज्ञानवापी मामले को लेकर आज मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी मामले को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहां मुस्लिम पक्ष की 5 जो याचिका है उसे खारिज कर दिया है। इसके काफी मायने हैं। आगे मुस्लिम पक्ष अब इस मामले को लेकर क्या करेगा, क्योंकि अभी जिस तरह से फैसला सामने आया है हिंदू पक्ष के लिए ये राहत मानी जा रही है। पर उससे पहले ग्राफिक्स का रुख करेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अपने फैसले में क्या बड़ी बातें कही हैं, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं, तमाम तरह की जो बातें हैं वो नजर आ रही थी। पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में, जो कि बीते दिन उन्होंने सुरक्षित रख लिया था, आज उस पर फैसला सुनाते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर उन्होंने क्या कहा है और इसको लेकर मुस्लिम पक्ष क्या करेगा, ग्राफिक्स के माध्यम से जान लेते हैं। अदालत ने टाइटल सूट को चुनौती देने वाली 5 याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 5 याचिका खारिज की है, जिसमें सिविल वाद की पोषणीयता वाली 2 याचिका भी शामिल है। एसआई सर्वे आदेश के खिलाफ 3 याचिकाएं भी इसमें शामिल थी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये 5 याचिका है जो कि रद्द हुई है। 8 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की 5 जो याचिका है वो रद्द की है। ये तमाम जो जानकारी है वो सामने आ रही है। अब आपको 3 बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि हर किसी की निगाहें अयोध्या मामले को लेकर भी बनी हुई थी। हर किसी की जो निगाहें हैं वो एएसआई की रिपोर्ट पर भी बनी हुई थी। 3 तस्वीरें। सबसे पहले श्री राम मंदिर की भूमि पूजन, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको लेकर भव्य तैयारियां जारी है। ज्ञानवापी पर जो आज फैसला आया है वो भी अपने आप में काफी मायने रखता है। वो भी अगर बात करें श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, तो एएसआई की सर्वे को लेकर अभी यहाँ पर जो संभावना है वो बनी हुई है। और देखना होगा कि जब इस मामले को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर एएसआई का जो सर्वे है वो होगा या नहीं, क्योंकि लगभग लगभग ये 3 तस्वीरें अपने आप में एक तरह की है। श्री राम जन्मभूमि को लेकर भी यही बात सामने आ रही थी। ज्ञानवापी को लेकर भी एएसआई का सर्वे हुआ और एएसआई की टीम ने जो अपने सर्वे की रिपोर्ट है वो सौंप दी है। अब आगे बढ़ते हैं, एक पैकेज आपको दिखाते हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ज्ञानवापी मामले पर मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट से झटका। '91 में दाखिल अर्जियों पर सुनवाई का साफ हुआ रास्ता। जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से फाइल किए गए थे उन सबको खारिज कर दिया और यह होल्ड कर दिया कि ये जो सूट 1991 का दाखिल किया गया है, वाद संख्या 610/1991, दैट इज नॉट बार्ड बाई सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। कोर्ट से मुस्लिम पक्ष की खारिज हुई 5 याचिका। माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह एक ऐतिहासिक है और ये सभी पक्षों को मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि 6 महीने में इसे निस्तारित किया जाए और उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। किसी चीज को केवल लटकाना ही न्याय नहीं है, वैसे भी देर से बहुत देरी होने से न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता है, कि न्यायालय ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है। ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट से निकलेगा सच। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर हर किसी की निगाहें बनी हुई है। ये मंदिर है या मस्जिद, सवाल है और जवाब का हर किसी को इंतजार है। देखना होगा कि आगे जो तस्वीरें हैं क्या निकलकर सामने आएगी, पर लगातार इसको लेकर तमाम जो रिएक्शन है, तमाम जो प्रतिक्रिया है सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर क्या कहा है वो भी आपको जल्दी से सुनाते हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में
दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की इसकी दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि अभी कुछ दिन जब उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना और भक्ति संत और कट्टर कृष्ण भक्त मीराबाई की 525वीं जयंती पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वृंदावन पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रज भूमि को भी विकास से वंचित रखा। भाई और बहनों, आज आजादी के अमृत काल में पहली बार देश गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आया है। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करें तो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हिंदू पक्षकार हैं हमारे साथ रंजना अग्निहोत्री जी, आपका स्वागत है। इसी के साथ पूर्व कुलपति इस्लामिक जानकार हैं मारूख मिर्जा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी तमाम जानकारी लेंगे। पर उससे पहले सवाल मारूख मिर्जा जी आपसे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो ये कि ये कोई फैसला नहीं है, ये एक डायरेक्शन दिया गया है कि जो सत्यता की पता लगा लिया जाए कि वाराणसी की अदालत को डायरेक्शन दिया गया है कि ये देखें कि क्या मामला वास्तव में है। लेकिन हमारा ये मानना है कि हमारे हिंदुस्तान में ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो इसमें जितने भी समाधान अगर निकलेंगे और सकारात्मक ऊर्जा के साथ निकलेंगे तो देश हमारा अग्रिम पंक्ति में जल्द से जल्द पहुंच जाएगा और विकसित देश हो जाएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपने जैसे कहा मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष, ये पक्ष हम आप निर्धारित करने वाले होते ही नहीं है कोई कि मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष का यहाँ पे सवाल नहीं है। सवाल ये है ज्ञान व्यापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर, ये दोनों एक ही दूसरे शब्द के पर्यायवाची है। अभी हम अगर एक चीज कहें सही या ठीक, और आप वेबसाइट पे जाके गूगल पे देखिए कि ठीक के पर्यायवाची क्या होते हैं, तो वो बहुत से वो शब्द बता देगा कि चाहे आप ठीक कह लीजिए, चाहे सही कह लीजिए, चाहे उचित कह लीजिए, चाहे मुनासिब कह लीजिए, चाहे डिफरेंट रूप में। लेकिन इसी के दूसरे शब्द को कहिए कि इसका पर्यायवाची, तो पलट के वही चीजें आएंगी। तो ये मंदिर और मस्जिद ये धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं और धर्म में भगवान केवल एक ही है। ये लोगों ने, और लोगों को मैं नहीं कहूंगा, ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी सोची समझी साजिश रही कि उसने हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की और इसके ऊपर जो भी है जल्द आ जाएगा, लेकिन एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ इसके समाधान पे गौर करना चाहिए। ठीक है, रंजना अग्निहोत्री जी आप इस पर क्या कहेंगी? देखिए 1991 से जो पहला दावा ओल्ड एंशियंट आइडल का जो दावा था 1991 से पेंडिंग था। उस दावे की जब जब सुनवाई शुरू हुई तब मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2017 में, 2021 में, 2022 में कुल मिलाकर के 5 याचिकाएं दाखिल करी कि ये मुकदमे की सुनवाई आगे ना हो सके क्योंकि ये मुकदमा जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है।
आज जो है उनकी पांचों याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी। 65 पन्ने का जजमेंट है, उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश आया है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास किया है और उसमें ये कहा है लास्ट के कंक्लूजन में कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4 इनके ऊपर अप्लाई नहीं करता, क्योंकि सेक्शन 4 कहता है कि किसी भी प्लेस का कन्वर्जन मना है, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन या जानकारी करना, ये सिद्ध करना कि ये कौन सा उसका रिलीजियस कैरेक्टर का डिटर्मिनेशन, इस बारे में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए ये दावा इनका जो है चलेगा, 7-11 से बार्ड नहीं होगा। इस मुकदमे की सुनवाई होनी चाहिए, जब तक उस प्लेस का डिटर्मिनेशन नहीं होगा तब तक आप कैसे जानेंगे मस्जिद है कि मंदिर है। और जो ASI सर्वे चल रहा था, अभी जो रिपोर्ट कल सबमिट हुई, उसके इतर कुछ भी अगर तथ्य आते हैं तो दोबारा उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया। और भी जो बड़ी तस्वीरें हैं वो आना बाकी है। और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह भी जुड़े हुए हैं, जो कि जानकारी देंगे। हरिकेश, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद वाराणसी में अभी कैसा माहौल बना हुआ है सिक्योरिटी के लिहाज से, कानून व्यवस्था के लिहाज से? हरिकेश, देखिए, जहां तक काशी विश्वनाथ धाम की बात है, उसके अंदर ही ज्ञानवापी मस्जिद अब आ गया है। तो जब ASI सर्वे हो रहा था उस समय, चूंकि मीडिया ने इतना ज्यादा हो हल्ला मचाया, सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस चले, जिसकी वजह से कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया और रोक लगा दी कि किसी भी तरह की रिपोर्टिंग जो लोग कर रहे हैं उसको विश्वनाथ धाम के पास से नहीं करेंगे। पहले लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से तय कर दिया जो, तो आप समझ सकती हैं कि कोर्ट भी इस तरह के जो संवेदनशील मामले हैं उनको किस तरह से गंभीरता से लेता है। अब रही बात जो आज हाई कोर्ट का दिशा निर्देश आया है, उसमें जैसा आपके गेस्ट अभी कह रहे थे कि जो 1991 का मामला है उसको देखते हुए कोर्ट ने अब सुनिश्चित कर दिया है कि इसकी पोषणीयता बनी रहेगी, जिला अदालत इसकी सुनवाई करेगा। पहले तो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसको चैलेंज किया था कि इसकी पोषणीयता ही नहीं है, तो अब ये कम से कम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि नहीं, ये सुना जा सकता है। अब जो सुनवाई होगी, इसके पहले जो हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी वो इस पर थी कि पोषणीयता इसकी है, सुनने योग्य है या नहीं है, लेकिन अब जो यहाँ पर जिला अदालत में अब सुनवाई होगी, अब ये तय होगा। चूंकि जैसा ASI की रिपोर्ट की बात भी कर रहे थे, उसमें ASI की जांच पे भी रोक लगाने की बात थी, लेकिन अब वो जांच पूरी हो चुकी है, सर्वे रिपोर्ट जमा हो चुकी है, और जिस तरह से हाईकोर्ट का डायरेक्शन आया है उस आधार पर अब जो ASI की रिपोर्ट है उसके जांच के आधार को देखते हुए, उसको एक वैज्ञानिक प्रामाणिकता मानते हुए जिला अदालत जो है कोई भी जो सुनवाई करेगा उसको साक्ष्य मानेगा, और फिर उसके बाद जो दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो फैसला आएगा वो देखने योग्य होगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जब ASI की टीम ने जो अपनी रिपोर्ट है, सर्वे की जो रिपोर्ट है, क्योंकि हर किसी की निगाहें इस पर बनी हुई थी, अदालत में कोर्ट में से पेश कर दी है, और यहाँ से जो अलग तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने आएगी, इसको महत्वपूर्ण लेकर जानकारी आप तक पहुँचा रही ASI ने। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वेक्षण रिपोर्ट अदालत में पेश की है, रिपोर्ट एक सील बंद लिफाफे में ASI ने अदालत में पेश की है। यहाँ से अलग तस्वीरें ASI की इस रिपोर्ट से नजर आएगी। मामले की अगली सुनवाई अब 21 दिसंबर को होगी, और 21 दिसंबर की सुनवाई पर भी अब हर किसी की निगाहें बनी हुई है, जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने का यहां पर विरोध भी किया है, तो इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे रंजना अग्निहोत्री जी का। रंजना जी, अब अगली सुनवाई, यहाँ पर आपसे दो सवाल हैं, एक तो ASI की इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि हर किसी की निगाहें इस पर बनी हुई थी। अब अगली जो सुनवाई है वो 21 दिसंबर को होगी, क्या संभावना आपको लग रही है यहाँ से कोर्ट से? देखिए, ASI ने जो सर्वे किया है, कोर्ट के डायरेक्शन, कोर्ट ने जो डायरेक्टिव इश्यू किए थे उसी के तहत ASI ने सर्वे किया, और सर्वे का काम पूरा करने के बाद कल बंद लिफाफे में रिपोर्ट न्यायालय के सामने रखी है। मुस्लिम पक्ष का विरोध आया कि ये इस रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए, वो एप्लीकेशन कोर्ट के सामने रखी है, उस पर अगली सुनवाई 20 तारीख को होनी है, और ASI का जो काम था
वो उन्होंने एज ए इंडिपेंडेंट एजेंसी काम किया है। अब रिपोर्ट जब ओपन होगी या रिपोर्ट हम लोगों को पार्टीज को कोर्ट के आदेश से मिलेगी तब सामने आएगा कि क्या क्या तथ्य आए हैं सामने, क्या क्या चीजें। हालांकि बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे तथ्य जो कमीशन की रिपोर्ट आई थी, कमीशन की रिपोर्ट से ही बहुत सारी चीजें साफ हो गई थी, लेकिन चूंकि एएसआई का जो सर्वे हुआ है, एएसआई का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वो साइंटिफिक मेथड है। अब उस रिपोर्ट को हम लोगों को वेट करना चाहिए, वो सामने आ जाए तभी हम लोगों को कुछ बोलना चाहिए। तो अब हर किसी की जो निगाहें वो 21 दिसंबर पर जो अगली सुनवाई है उस पर बनी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे अपने संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह का। हरिकेश, इस सुनवाई के बाद, फैसले के बाद अब मुस्लिम पक्ष का भी इसको लेकर क्या कहना है? हरिकेश देखिए, जैसा कि अभी चर्चा आपके स्टूडियो में जैसी चर्चा हो रही है जी, उसको मैं आगे बढ़ाते हुए यही कहूंगा कि जो 21 दिसंबर को सुनवाई होनी है उसमें जो एएसआई ने रिपोर्ट जमा की है वो बंद लिफाफे में रिपोर्ट जमा की है। तो मुस्लिम पक्ष का, जैसा कि अभी आपके गेस्ट कह रहे थे कि ये कहना है कि इसको सार्वजनिक न किया जाए, तो चूंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है तो कोर्ट भी लगातार इस तरह के निर्देशन ही दे रही है जिससे कि भ्रामक खबरें बाहर ना आए, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लोग तरह तरह के वीडियोस, तरह तरह के रील्स बना के सर्कुलेट कर देते हैं और इससे एक माहौल खराब होता है। तो कोर्ट, जहां तक यहां पे जिला अदालत इसके पहले भी ऐसा निर्णय ले चुकी है कि मीडिया के माध्यम से इस तरह की रिपोर्टिंग ना हो, उसी तरह चूंकि एएसआई ने बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश की है और जिस पर यह सुनवाई होनी है अभी कि जो पक्ष हैं उनको वो रिपोर्ट दी जाए कि ना दी जाए, तो इस पर दोनों पक्ष बहस करेंगे। वो एक पक्ष जो का कहना है कि सार्वजनिक न की जाए, दूसरे पक्ष का ये कहना है कि रिपोर्ट दी जाए उनको, क्योंकि बंद लिफाफे में रिपोर्ट है एएसआई की और वो न्यायालय के समक्ष है, न्यायालय इसका अध्ययन करेगा और 21 दिसंबर को जो बहस होनी है जिनका जो पक्ष है वो रखेंगे, फिर उसके बाद न्यायालय निर्देशित करेगा या कोई आदेश देगा कि उस रिपोर्ट का क्या करना है। लेकिन चूंकि जिस प्रामाणिकता के आधार पर, जिस वैज्ञानिकता के आधार पर एएसआई ने इतने दिनों में उस ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया और उस सर्वे को की एक रिपोर्ट बनाई अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, क्योंकि आप समझ सकती हैं कोर्ट ने चार बार उनको समय दिया उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए, कड़ी मेहनत की है एएसआई ने और इसके पहले जो अयोध्या का विवाद था उस पर भी एक मजबूत आधार बना था एएसआई का सर्वे जो है, और अभी जो मथुरा में कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है वो भी एएसआई से सर्वे कराने की बात है। तो ये एक आप कह सकती हैं कि एक मजबूत आधार बन रहा है, सबूत बन रहा है जो इस तरह के विवाद हैं उनको निपटाने में अदालत के लिए। और अब हर किसी की निगाहें अब 21 दिसंबर पर बनी हुई हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए हरिकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 18 सितंबर 1991 को संसद से पारित कर लागू किया गया था और इसको लेकर बड़ी जो बहस है वो नजर आई। इस एक्ट के तहत किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाने के लिए ये जो एक्ट है वो लागू होता है। इसी के साथ ये एक्ट किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए भी जो बातें हैं वो कहता है। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर देखा था हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच किस तरह से जो तकरार है वो नजर आई। इसके तहत मंदिर, मस्जिद, चर्च, अन्य सार्वजनिक पूजा स्थल जैसा है वो वैसा का वैसा बना रहेगा। इस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को किसी भी उपासना स्थल की स्थिति को बरकरार रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, मारुख मिर्जा जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए दो जो बड़े अपडेट हैं वो अब तक सामने आए हैं। पहला ये है कि एएसआई की टीम ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी है अदालत में और इसी के साथ आज बड़ा फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से नजर आया है। अब अगली जो सुनवाई है वो 21 दिसंबर को होगी। क्या एएसआई की रिपोर्ट का जो असर है वो अगली सुनवाई पर भी पड़ेगा, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है जब मामला कोर्ट में है तो जिसने जो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन रखी है उस पे ही फैसला होता है। लेकिन मैं आपको ये बताना जरूर चाहूंगा कि मुस्लिम पक्ष ही नहीं, मुस्लिम या इस्लामिक बींग एन इस्लामिक स्कॉलर भी अगर आप समझिए तो मेरे लिए उस जगह पे नमाज पढ़ना ही जायज नहीं है यदि वो मस्जिद को, मंदिर को ढाके बनाया गया है। यदि और अगर मंदिर को ढाके नहीं बनाया गया है और वो मस्जिद एक गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल रही है और तब अगर मस्जिद गिरती है
तो समझ लिए संपूर्ण हिंदू जिम्मेदार होंगे। और अगर मस्जिद मंदिर था और उसको गिरा के मस्जिद बनाई गई है तो समझ लिए कि संपूर्ण मानव समाज इस्लामिक की जिम्मेदारी है कि उनको पॉजिटिवली ले जाके हैंडओवर कर देना चाहिए है कि हमारे पे इस पे नमाज पढ़ना जायज नहीं है। क्योंकि अगर इवन ये असल में देखिए इस वक्त मुस्लिम में एजुकेशन की बहुत कमी है और वो उस चीज को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं या जिनको नॉलेज नहीं होती है वो आगे खड़े हो जाते हैं और इस्लाम धर्म की व्याख्या करने लगते हैं। असल चीज है कि अगर मेरे इबादत करने से आपके इबादत करने में खलल पहुंचता है तो मेरी इबादत कबूल ही नहीं होना है। और अगर आपकी इबादत से अगर हमारी इबादत में खलल पहुंचता है तो देखिए आज एक बहुत छोटी सी मिसाल दीजिए कि मैं अगर चार दिन के लिए किसी ऐसे स्थान पे आप हमारे बहुत मित्रों में सपोज किए हैं और मैं आपके घर कभी जाना पड़ता है और मुझे आपने कहा ये चार दिन छह दिन टिकना है तो आपको ये मालूम है कि महरुख मिर्जा साहब जो है नमाज भी पढ़ते हैं और अगर रोजे के दिन है तो रमजान के दिन है तो रोजा, तो आप बुलाती हैं हमें तो हमारे लिए आप नमाज पढ़ने के लिए भी एक छोटा सा कोने में इंतजाम आप कर देंगे कि ये यहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं। तो वो टेम्परेरी ही पूजा के भाई हम चले गए, पता चला कल को कोई क्रिश्चियन आपका मित्र आया तो उसने कहा भाई मुझे, तो ये सिलसिला कहीं इस एंगल से अगर देखा जाए तो बस ये जरूर कहेंगे कि अंग्रेजों ने हमारे भारत को नुकसान पहुंचाया है जिसकी वजह से आज हमें ये सब चीजों को भुगतना पड़ रहा है। और मेरा कहना यह है कि हमें विकसित देश की तरफ जाना है तो अगर जैसे ही कोर्ट कहते छह महीने का समय दिया है, छह महीने के अंदर जो भी है सामने आ जाएगा। और अगर मंदिर वहां पे था तो मस्जिद किसी भी कीमत पे नहीं मानी जाएगी, हम तो मान ही नहीं सकते। और फिर विवादित जगह, क्योंकि मंदिर देखिए भगवान शंकर कह लीजिए, शिव जी कह लीजिए, तो ये सब चीजें हैं तो अल्टीमेटली गॉड से रिलेटेड, तो हम एक दूसरे पे जी ठीक है। रंजना जी आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगी, मारुख मिर्जा जो कह रहे हैं? देखिए मारुख मिर्जा जी जो कह रहे हैं वो अपनी बात अपने तरीके से कह रहे हैं और मारुख मिर्जा साहब ने एक बात कही कि अगर वो मस्जिद है और ढाई जाती है तो पूरा हिंदू समाज उसके लिए जिम्मेदार होगा। मारुख मिर्जा साहब की इस बात पर मुझे घोर आपत्ति है क्योंकि हिंदुओं के सारे पूजा स्थल चाहे अयोध्या हो चाहे मथुरा हो चाहे काशी हो उनको क्षति विक्षत किया गया औरंगजेब के द्वारा। 1669 में काशी विश्वनाथ के मंदिर को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया। हम ना सड़क पर आए ना हमने तलवारें कभी भांजी, हम न्यायालय के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। जहाँ भगवान कृष्ण की मूर्तियां श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी मैं हूँ और वहां की मूर्तियों को तोड़ के जहाँ आ रहा मस्जिद की सीढ़ियों पर लगाया गया और आज भी प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं। उनको लगाने का ये आशय था कि जो नमाजी जाएं इस पर पैर रख के जाएं और माइट ऑफ इस्लाम का सिद्ध हो सके। अभी आप जो सो कॉल्ड कुतुब मीनार है वहां जाएंगे जो वहां का जगमोहन है 10,000 मूर्तियां छत विक्षित करके काटी हुई लगाई गई है। इसका आखिर क्या कारण था? हिंदुओं ने हमेशा बर्दाश्त किया लेकिन अयोध्या मथुरा काशी ये कोई मामूली मंदिर नहीं है, जन्मस्थली है काशी भगवान शिव की नगरी है तो यहाँ पर। और दूसरी बात है हम अदालत के माध्यम से आए हैं, अदालत ने एएसआई की अभी तो बहुत लंबी लड़ाई हमें लड़नी है, एएसआई की रिपोर्ट आएगी, एएसआई की रिपोर्ट के बाद वाद बिंदु बनेंगे, वाद बिंदुओं पर गवाही होगी, कोर्ट उसको टेस्ट करेगी, टेस्ट करने के बाद सारे जो मेरे पॉइंट्स हैं उनको कानून की कसौटी पर कसेगी और कानून की कसौटी पर कसने के बाद अगर हमारी बातें सिद्ध होती हैं तब कहीं कोई और आगे बात आती है। तो अभी हम आपको जिम्मेदार समझा ठहराएं और आप हमें जिम्मेदार ठहराएं, ये बात उचित नहीं है। मारुख मिर्जा जी ठीक है, आप कुछ सिर्फ एक छोटा सा ये कहना है कि हम यहाँ पे सही गलत नहीं, हम औरंगजेब के पक्षधर कभी नहीं रहे हैं हम लोग, ये भी आपको बता दे यहाँ पे हम इस्लाम के पक्षधर हैं, औरंगजेब के पक्षधर जहन से निकाल दिए कि हम लोग हैं। और बल्कि यूं समझिए कि औरंगजेब जितना क्रूर शासक था जालिम था जिसने न जाने कितने लोगों के खून से गर्दनें काट के उसके ऊपर इमारतें खड़ी की, हम इमारतें खड़ी करने को कह सकते लेकिन हम लोग तो खुद ही मानते हैं कि अगर कहीं पे कोई चीज इवन हम किसी की आम जमीन के ऊपर भी हम नमाज नहीं पढ़ सकते जब तक हम उससे इजाजत ना लें चाहे वहां पे। और फिर मंदिर अगर है तो बहुत बड़ा घोर पाप ही है लेकिन ये सिद्ध हो जाए
तो हम अपनी बात कहेंगे, लेकिन आपका जैसे कहना है कि नहीं ये आपत्ति, यहाँ पे मैं आपत्ति की नहीं, हमारा मतलब ये कि एक बिल्कुल इंसाफ वो हो कि जिससे हमारे भारत की साच पे आज कोई नहीं आना चाहिए, जो हमारा भारत है जिसमें पूरी दुनिया में अब हर सातवां इंसान एक भारतीय है, तो हमें इसका भी ख्याल रखना। चलिए, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम जो तथ्य हैं वो सामने रखने के लिए। तो अब हर किसी की निगाहें अब 21 दिसंबर पर है, क्योंकि अगली सुनवाई ज्ञानवापी मामले को लेकर 21 दिसंबर को होगी। देखना होगा कि जो अगली तस्वीर है वो यहाँ पर कैसी नजर आएगी। चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।